हेलो दोस्तों, स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो को आप लोग शुरू से आखिर तक देखना, आपका जीवन बदल जाएगा। चलिए हम आपके बीच में एक वचन पढ़ना चाहते हैं और वो वचन क्या कहता है, इसीलिए कि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किए हैं, वह बिना व्यवस्था के ही नाश किए जाएंगे। अब मेरे प्रिय सुनो, ये वचन क्या कह रहा है, वचन बिना व्यवस्था पा के पाप किए हैं। अब बिना व्यवस्था के कौन है, वो जो मतलब पापी है, आधर्मी है, वो बिना व्यवस्था के ही पाप किए हैं, क्योंकि उनको व्यवस्था नहीं पता, उनको परमेश्वर का वचन नहीं है, उनके अंदर परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो बिना व्यवस्था के ही नाश किए जाएंगे। और आप लोग मेरे प्रिय वचन से वचन सुनने लाए, बल्कि चलने लाए बनो, वचन सुनने लाए बल्कि चले बनो, मानो उनके बचने का कारण करो मेरे प्रियो, आप अपने प्राण बचा लो मेरे प्रियो। समय बहुत कम है और दिन बुरे हैं, आप लोग अभी सावधान हो जाओ। जो प्राप्त कर रहे हैं वो अपना मन फिरा ले और परमेश्वर से आगे माफी मांग लो, अभी परमेश्वर माफ कर देगा। फ्रेंड्स, जो परमेश्वर ने अभी ये दिन आपको दे रहा है, ये दिन कभी आपको अगर एक एक दिन भी चला जाएगा तो वो दिन वापस नहीं आएगा। मेरे प्रियों, आप सभी लोग अभी मन फिरा लो, पाप से निकल आओ, बाहर निकल आओ पाप से। अभी समय है, अभी समय है, अभी परमेश्वर को ग्रहण कर लो, अभी ज्यादा ही सही है। अभी आपके पाप समझ में जाएंगे, अभी आपके पाप समझ में जाएंगे। आप मन फिरा लो, परमेश्वर के आगे पश्चाताप कर लो, माफी मांग लो, जब वो अभी माफ कर देगा। जो बीमार है, खाट पे पड़े हैं, लाचार हैं, डरे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है, कचहरियों से परेशान है, उनके लिए प्रेयर करना चाहते हैं मित्रियो। चलिए हम अपने प्रेयर स्टार्ट करते हैं। सर शक्तिमान प्रधान, धन्यवाद करते मेरे पवित्र आत्मा की, आप दया कीजिए, कृपा कीजिए मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर पिता, हम उन लोगों के लिए दुआ करते मेरे पिता, जो टेंशन से परेशान, अपनी कचहरियों से परेशान, अपनी बीमारी से परेशान मेरे पिता, अपनी गरीबी से परेशान मेरे प्रभु, अपने पैसे से परेशान मेरे परमेश्वर पिता, आज उनकी बीमारियां जड़ यीशु के नाम में, आज उनकी बीमारियां जड़ यीशु के सामर्थ्य नाम में, जड़ यीशु के सामर्थ्य नाम में, आज अपनी बीमारी से जड़ रहे, आज जड़ रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में, मेरे परमेश्वर आप संगाई दीजिए मेरे प्रभु, आप उन लोगों को संगाई दीजिए मेरे पिता, अभी इसी समय उनको संगाई दीजिए मेरे पिता, और अपनी बीमारी से आज जड़ रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में, आज जड़ रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर एक गंदी अरे दूसरी आत्मा, अरे बीमारी के लिए दूसरी आत्मा, अरे जन के बोध के चार जन चल जाओ, चार जन निकल जाए सुख समर्थ के नाम में, आज के लिए मैं मोदी जी के सुनी जाए, बाकी आया के नाम में, हर एक देश आत्मा, आज के लिए मैं मोदी जी के सुनी जाए, चार जन लिए मोदी जी के सुनी जाए, पिता आप दया कीजिए, कृपा कीजिए मेरे प्रभु, हर एक देश आत्मा को भी चना दो, और पापा में आप जन भी आत्मा, आज के लिए मैं मोदी जी के सुनी जाए मेरे प्रभु, आप दया कीजिए, कृपा कीजिए मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर जिन लोगों को बच्चे की आशीष नहीं मिले पिता, आज लोग बच्चे की आशीष दीजिए मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर जो मेरे पिता जिन लोगों ने पति और पत्नी में मेरे पिता लड़ाई झगड़ा करके मेरे प्रभु उनमें मैं मिला करवाइए मेरे पिता, मेरे परमेश्वर उन लोगों का माइंड चेंज कर दीजिए मेरे पिता, सुबह में रह जाएंगे मेरे पिता, मैं मिला भर जाए मेरे प्रभु, जो लोग मेरे पिता पाप कर रहे मेरे प्रभु उनके माइंड को चेंज कर दीजिए मेरे पिता, उनका माइंड चेंज हो जाए मेरे प्रभु, अभी पाप से निकल आए पिता, अंधकार में डूबे हुए मेरे प्रभु, ज्यादा में आज जाए मेरे परमेश्वर पिता, आप दया कीजिए, कृपा कीजिए मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर आप दया कीजिए, कृपा कीजिए मेरे प्रभु, आप दयालु और महान परमेश्वर पिता, आपकी कृपा सदा की रहे मेरे प्रभु, आप दया कीजिए मेरे परमेश्वर पिता, मेरे पिता परमेश्वर आपने वचन में कहा है, मैं आपके मुंह में सिर जन्हा रहा हूँ, जैसा आप बोलोगे वैसा हो जाएगा पिता, जो मेरे मुंह से सब निकले पिता पूरे हो जाए, इसी पिता मत के नाम मेरे परमेश्वर पिता, आपने वचन में कहा प्रभु, हे मेरे विश्वास करने वाले मुझ पर विश्वास करो, जो काम मैं करता मुझसे बड़े बड़े काम आप करोगे पिता,
पुत्र पवित्रात्मा जी हम धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, आप दया दीजिए कृपा कीजिए मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर हम मसीह भाई बहनों के लिए मेरे पिता आशीष मांग रहे मेरे प्रभु, उनको दीजिए मेरे परमेश्वर पिता, मेरे परमेश्वर अपने वचन में कहा जो तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, जो ढूंढने का इसे मिलेगा, जो खटखटाए इसे मेरे द्वार पर लग जाएगा, पिता इन लोगों को आशीष दीजिए मेरे पिता, उनको दीजिए मेरे पिता, मैं मसीह भाई बहनों के लिए मांग रहे मेरे परमेश्वर, आप दया करें कृपा करो मेरे पिता परमेश्वर, आप सेवित देना हाथ बढ़ाते पिता, समर्थी वाला हाथ बढ़ाते मेरे परमेश्वर, हर एक जन से सुन लीजिए मेरे परमेश्वर पिता, और हर एक जन के जीवन में मेरे काम आने पाए पिता, हर एक जन का जीवन बदल जाए पिता मसीह नाम में पिता परमेश्वर, दया कीजिए कृपा कीजिए मेरे प्रभु, छोटी सी विनती उद्धार करते जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और कबूल करिए, आमेन आमेन आमेन।